एडवांस इंग्लिश ट्रांसलेशन के इस सातवें एक्सरसाइज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये वीडियो आधारित है टू बी चैप्टर पर। टू बी का मतलब होता है होना, और उसमें भी हम प्रेजेंट टाइम वाला केवल सीख रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में वर्ब आता है एम इज आर, उसका उपयोग अभी तक में हमने 6 और 7 वीडियो में कवर कर चुके हैं, और आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे वाजबर और विल बी का उपयोग। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सेंटेंस के अंत में होता है, रहता है और लगता है, ये सभी हिंदी सेंटेंस के अंत में लगा हुआ रहता है। तो इस तरह के सेंटेंस का इंग्लिश बनाने के लिए टू बी का ही उपयोग किया जाता है। तो यही चीज आज के इस वीडियो में विशेष रूप से देखने वाले हैं कि जिस सेंटेंस के अंत में होता है, रहता है, लगता है, ये जितने भी हिंदी आप देख रहे हैं, ये सब जिस सेंटेंस के अंत में होगा, हिंदी सेंटेंस के अंत में, उसका अंग्रेजी बनाने के लिए सीखेंगे। तो फॉर्मूला तो ऊपर में वही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। वर्ब के जगह पे टू बी का प्रेजेंट टाइम वाला एम इज आर उपयोग करना है, क्योंकि टू बी के प्रेजेंट टाइम को हम लोग पढ़ रहे हैं, और टू बी से ये भी अर्थ निकलता है और ये स्पष्ट होता है कि किसी भी चीज़ का स्थिति क्या है, वर्तमान में उस चीज़ का स्थिति क्या है, ये चीज़ बताने के लिए टू बी का उपयोग होता है, जैसा कि मैं पीछे के वीडियो में भी यह बता चुका हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जिस सेंटेंस के अंत में लगता है, होता है, ये सब होता है, उसका अंग्रेजी बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह सेंटेंस बनता है। बहुत ही आसान है और कोई कठिन नहीं है और कोई भारी नहीं है कि आप लोग इतना टेंशन लेंगे। बहुत ही आसान है। पहला सेंटेंस है बर्फ ठंडी होती है, तो बर्फ का इंग्लिश होता है आइस। यहाँ पे लिखेंगे आइस। आइस जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए इज लगेगा, इज के साथ, उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट है। ठंडी का इंग्लिश होता है कोल्ड, COLD कोल्ड। तो देख सकते हैं ये भी सेंटेंस यहाँ पे बन चुका है, आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडी होती है। सेंटेंस के अंत में देखिए यहाँ पे है होती है, लगता है, होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस का इंग्लिश बना रहे हैं हम लोग। एक सेंटेंस का बना चुके हैं। अगला सेंटेंस है दूध मीठा लगता है, दूध का मिल्क होता है, और उसके साथ वर्ब लगेगा इज, और उसके बाद मीठा का होता है स्वीट। तो देखते चलिए किस तरह सेंटेंस बनता है। पानी उपयोगी होता है, पानी का वाटर होता है, और वाटर के साथ इज लगेगा। ये सभी थर्ड पर्सन में है और सिंगुलर नंबर में, इसीलिए यहाँ पे इज का उपयोग हो रहा है विशेष करके। वाटर इज यूजफुल, ये भी सेंटेंस यहाँ पे बना। और विशेष करके इस एक्सरसाइज में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा है। अगला सेंटेंस है कोयला काला होता है, तो कोयला का इंग्लिश कोल होता है, कोल इज काला का ब्लैक, BLACK ब्लैक। देखते चलिए, बहुत ही आसान है जैसा कि मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। आगे सेंटेंस है चीनी मीठी होती है, तो चीनी का शुगर होता है, शुगर के साथ इज लगेगा, और मीठी का स्वीट। एक चीज याद रखिएगा, SWEET इसका मतलब होता है मीठा, और SWEET स्वीट, स्वेट का मतलब होता है वहाँ पे पसीना, तो वो स्वेट आप मत यहाँ पर लिखिएगा, SWEET इसका मतलब मीठा होता है। आगे सेंटेंस है आग गर्म होता है, आग का इंग्लिश फायर, फायर के साथ इज लगेगा, और गर्म का होट। बहुत ही आसान है। आम मीठा होता है, तो आम का इंग्लिश मैंगो, मैंगो के साथ इज लगेगा, लेकिन शुरू में कैपिटल लेटर होना चाहिए किसी भी सेंटेंस के पहला वर्ड का, और वो अगर सेंटेंस के शुरू में हो तो इज मैंगो इज मीठा का स्वीट, SWEET स्वीट। फिर आगे है आदमी मरणशील होता है, आदमी का इंग्लिश मैन होता है, मैन के साथ इज लगेगा, और मरणशील का इंग्लिश होता है मोर्टल। तो बहुत ही आसान है इस चैप्टर को समझना।
आप यहाँ पर विशेष रूप से ये भी देख रहे हैं कि जिस सेंटेंस के अंत में होता है, होते हैं, होती है, इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो आप उसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, वो भी टू बी चैप्टर पर ही आधारित होता है। टू बी के ही फॉर्मूला से, टू बी के ही नियम कानून से ये चीज़ बनता है, ये सेंटेंस बनता है इंग्लिश में। गाय सीधी होती है, गाय का इंग्लिश तो आप लोग जानते हैं काव, काव के साथ इज लगेगा, और सीधी का यहाँ पे होता है जेंटल, कह सकते हैं जो भी कह सकते हैं, विशेष रूप से जेंटल चलता है, काव इज जेंटल, और अंत में फुल स्टॉप। सिंह मजबूत होता है, सिंह का लाइन होता है एल आई ओ एन लाइन, और उसके साथ इज मजबूत का स्ट्रॉन्ग। बहुत ही इजी है, देखते चलिए आप लोग। बच्चे नटखट होते हैं तो बच्चे का चाइल्ड होता है, और अनेक बच्चे का चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन आर, यहाँ पे प्लूरल है इसीलिए आर का उपयोग हुआ है, ऊपर के सेंटेंस में सब सिंगुलर था इसीलिए वहाँ पे इज का उपयोग हुआ, यहाँ पे प्लूरल है इसीलिए आर, चिल्ड्रेन आर, नटखट का नाउ टी एन ए यू जी एस टी वाई, और अंत में फुल स्टॉप। आगे सेंटेंस है सांप डरावना होता है, सांप का इंग्लिश एस एन ए सी के, स्नेक इज डरावना का फियरफुल एफ ई ए आर एफ यू एल फियरफुल, सांप डरावना होता है, स्नेक इज फियरफुल। साधु दयालु होता है, साधु का सेंट होता है, सेंट इज, एक ही साधु के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहा है इसीलिए सेंट इज दयालु का काइंड, ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। गाय नेक होती है, बहुत गाय के बारे में यहाँ पे चर्चा है, काउस आर, नेक का जेंटल या सिंपल, तो जेंटल ही हम लोग लिखते हैं, तो ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ये सब्जेक्ट प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल ही है। वैसे जेंटल एडजेक्टिव है, जैसा वर्ब होता है, जैसा सब्जेक्ट होता है, उसका रूप वैसा हो जाता है, तो वो भी प्लूरल हो गया है। बिल्ली फुर्तीली होती है, बिल्ली का कैट होता है, कैट इज फुर्तीली का एक्टिव, तो ये भी सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेंटेंस है किसान परिश्रमी होते हैं, तो किसान का इंग्लिश फार्मर, फार्मर के साथ इज लगेगा, और परिश्रमी का लेबोरियस होता है, एल ए बी ओ आर ओ यू एस, लेबोरियस, तो देख सकते हैं ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सेंटेंस के साथ साथ ये वीडियो भी इन होने वाला है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का इंग्लिश कैसे बनता है, इस तरह के हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश कैसे बनता है आप लोग समझ चुके होंगे। इसी चैप्टर का उपयोग करना है टू बी के प्रेजेंट टाइम। सेकेंड लास्ट सेंटेंस है शिक्षक दयालु होते हैं, शिक्षक का टीचर होता है, टीचर के साथ इज लगेगा, और दयालु का काइंड, ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आगे सेंटेंस है माँ दयालु होती है, तो माँ का मदर एम ओ टी एच ई आर मदर इज दयालु का काइंड, तो देख सकते हैं ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और इस तरह के सेंटेंस का इंग्लिश कैसे बनाएंगे ये भी आप सीख चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, अंत में चलते चलते आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप फेसबुक पर हमें देख रहे थे तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, पेज आईडी है ऑनलाइन पढ़े। फिर इंस्टाग्राम पर यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़े, वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा चैनल है ऑनलाइन पढ़े, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए, इन सभी जानकारी को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक है www.onlinepadhe.com, और इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ratandeep पर, और उनका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल और अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।